हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन हैं। तो हमारे पास 13 क्वेश्चन, आप जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं 13 क्वेश्चन है। तो इनका हम आपको बताएंगे, पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे कि स्प्लिट एसी का ही समझ लीजिए, स्प्लिट नहीं एसी का है। तो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर टेक्नीशियन से, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे है। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे और पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो गारंटी है, मेरा 100% गारंटी है, तो आप पास हो जाएंगे, कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ लीजिए कि एसी के जितने रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें पूछे जाते हैं, तो वही हम आपके पास लेके आए हैं। तो इसको हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, एसी का पूरा नाम क्या है? तो जो एसी का फुल फॉर्म और फुल नाम होता है दोस्तों, वो होता है एयर कंडीशनर। इसका पूरा नाम एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर होता है नाम। तो यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो एसी का पूरा नाम है, एयर कंडीशनर। ये हमारा एसी का जो हिंदी और पूरा नाम होता है, एयर कंडीशनर होता है दोस्तों। ये हमारा पूरा नाम एयर कंडीशनर होता है, एसी का पूरा नाम। अब दोस्तों, आते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन में है, एसी में कितने सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है? तो दोस्तों, एसी ना कुछ सिस्टम से काम करता है, कुछ सिस्टम से मिलकर काम करता है। तो दोस्तों, वो सिस्टम क्या है हम आपको बताते हैं। एसी में तीन सिस्टम से मिलकर काम करते हैं, तो हम तीन सिस्टम लिखकर हम आगे बता दे रहे हैं आपको। पहला नंबर है मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और तीसरा है एयर फ्लो सिस्टम। ये तीन सिस्टमों से मिलकर काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तीन सिस्टम से। तो दोस्तों, तीन सिस्टम से मिलकर काम करता है, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रिकल, एक एयर फ्लो सिस्टम। ये तो ये दूसरे वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। तो दोस्तों, ये वाला, ये तीन सिस्टम से मिलकर काम करता है, पहला वाला तो हो गया दोस्तों। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों, तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, एसी को हिंदी का उसका नाम है, ये तो ये उसका एसी का ए और सी का पूरा नाम है, एयर कंडीशनर। और एसी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन में है, एसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आपने कभी देखा होगा ना, बसों पर लिखा होता है, तो एसी बस जिस पर लिखा रहता है, तो उस पर क्या लिखा रहता है, अनुकूलित। तो दोस्तों, वही चीज है, वातानुकूलित, ये होता है एसी का पूरा नाम, वातानुकूलन। तो दोस्तों, वातानुकूलन हमारा है एसी का हिंदी नाम। अगर कोई आपसे पूछे एसी का हिंदी नाम क्या है, हिंदी में क्या कहेंगे, तो आप यही बता, आप बोल सकते हैं कि एसी का हिंदी में वातानुकूलन होता है। तो दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखेंगे, तो ये एसी वातानुकूलन होता है दोस्तों, एसी का हिंदी नाम। ये दोस्तों हमारा एसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, हमारा एसी को हिंदी में हम वातानुकूलन या वातानुकूलित बोलते हैं। देश आप बसों में देखे होंगे, जो एसी वाला बस होता है, डबल डोर, डबल सीट वाला, मतलब डबल डेकर बोलते हैं, उसमें होता है दोस्तों। ये चीज़ से आप याद रख सकते हैं, एसी वाला बस को वातानुकूलन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा वातानुकूलन हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों चौथे नंबर के क्वेश्चन पे, हमारा चौथा नंबर क्या कह रहा है? तो दोस्तों, चौथा नंबर, स्प्लिट एसी में कितने नंबर की एलिंकी लगती है? तो दोस्तों, हमारे आपको बता दें, स्प्लिट एसी में क्योंकि गैस ऑन करने के लिए और लॉक करने के लिए एलिंकी की जरूरत पड़ती है, जो आउटडोर पे होता है उसमें लगा होता है, दो एलिंकी यूज होता है, दो प्रयोग किए जाते हैं। कितने नंबर के होते हैं दोस्तों? एक तो 4 नंबर का होता है, एक 5 नंबर का होता है। तो दो एलिंकी प्रयोग में लाया जाता है इसमें। तो दोस्तों, गैस खोलने के लिए और गैस लॉक करने के लिए एलिंकी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो चौथा है, कितने नंबर की एलिंकी यूज किया जाता है? तो
तो दो नंबर के लिंक, दो एलिंक की यूज किया जाता है, एक चार नंबर एक पांच नंबर। तो दोस्तों चार और पांच नंबर की एलिंकी हमारे स्प्लिट एसी में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों आपको यहां तक से समझ में आ गया, इतने क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन का चारों आंसर आपको समझ में आ गया। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन का प्रश्न क्या है दोस्तों, स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर के बीच की दूरी। तो दोस्तों जो हमारे इंडोर आउटडोर की दूरी होती है पाइपों की और तार की, वायर की, तो आपने देखा होगा स्प्लिट एसी जो होता है अंदर लगता है, आउटडोर बाहर लगता है, तो कहीं कहीं दूर लगा होता है, छत पे लगा होता है, तो उसकी दूरी पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको बता देना चाहिए कि हाँ, कि स्प्लिट एसी के इंडोर आउटडोर की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि स्प्लिट एसी के दूरी कितनी होनी चाहिए स्प्लिट एसी की। तो दोस्तों 10 फीट से लेके 35 फीट की दूरी होती है, जो एक मानक के जो एसी लगाया जाता है, कूलिंग परफेक्ट आता है दोस्ती, उससे भी ज़्यादा लगता है, बट जो एक मानक होता है, एक लिमिट होता है, तो 10 से 35 फीट की दूरी होता है। तो दोस्तों स्प्लिट एसी के इंडोर आउटडोर की दूरी जो होती है तार की और पाइपों की, जो कॉपर पाइप होती है, काले काले देखे होंगे तो लगा होता है, तो ये उसकी दूरी पूछ रहा है। तो दोस्तों उसकी दूरी 10 से 35 फीट की दूरी होती है दोस्तों। ये आपको यहाँ पे देख रहा होंगे ना, ये जो दूरी पूछ रहा है 10 से 35 फीट की दूरी होती है। तो दोस्तों यहाँ का आपको समझ में आ गया कि कितनी इंडोर आउटडोर की दूरी होती है। अब दोस्तों आते हैं छठे क्वेश्चन पे, स्प्लिट एसी में कितने अधिकतर कितने नंबर की पाइप लगती है। तो दोस्तों स्प्लिट एसी में आपने देखा होगा, जो हम इसका बात कर रहे थे दूरी पाइप की, तो स्प्लिट एसी में पाइप लगते हैं दोस्तों, तो वो पाइप कितने नंबर की होती है आपको बता दे रहे हैं। कई नंबर के आते हैं, लेकिन जो अधिकतर यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, वो पाइप का नंबर क्या होता है, 1/4 और 1/2, जिसके हाफ और क्वार्टर बोलते हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, दोनों को पाइपों को हाफ और क्वार्टर बोलते हैं, और एक का नाम होता है 1/4 और एक का होता है 1/2। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए, क्वार्टर और ये बोलते हैं, क्वार्टर और हाफ बोलते हैं। तो दोस्तों ये स्प्लिट एसी में अधिकतर कितने नंबर की पाइप लगती है, तो दोस्तों 1/4 और एक 1/2, ये दोस्तों स्प्लिट एसी में कितने नंबर की पाइप लगती है, हाफ और क्वार्टर जिसे बोलते हैं, हाफ और क्वार्टर यही होता है दोस्तों, हाफ और क्वार्टर इसी को बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले हाफ और क्वार्टर क्या होता है, तो दोस्तों आप इस तरह से बता सकते हैं, 1/4, 1/2, ये होता है दोस्तों हमारी कॉपर की पाइप। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों एसी के कंप्रेसर में कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगता है। तो दोस्तों हमारे एसी में कैपेसिटर लगता है दोस्तों, विंडो एसी में भी, स्प्लिट एसी में दोनों कैपेसिटर लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कंप्रेसर में अगर पूछ ले कोई, कैपेसिटर कितने नंबर का लगता है, तो दोस्तों आपसे कोई पूछ ले तो कितने नंबर के कैपेसिटर का आप बताएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ याद रहे कि कैपेसिटर कितने नंबर का लगता है। तो दोस्तों 35 नंबर से लेके 55 नंबर तक का लगता है, जो कंप्रेसर के हिसाब से लगता है दोस्तों। तो ये चीज़ 35 नंबर से लेके 55 नंबर तक का एमएफडी यूएफ लगता है दोस्तों, ये चीज़ याद आप याद रखें। तो कंप्रेसर में कितने एमएफडी का कंप्रेसर लगता है दोस्तों, 35 नंबर से 55 नंबर तक। तो दोस्तों 35 से 55 एमएफडी तक का कैपेसिटर लगता है, जो इतना सा होता है ना वही कैपेसिटर, और कंडेंसर भी कुछ लोग बोलते हैं उसको, तो उसका शुद्ध नाम है दोस्तों कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारा 35 से 55 नंबर का कैपेसिटर लगता है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप। अब आते हैं दोस्तों स्प्लिट एसी में अधिकतर कितने नंबर का फ्लेयर नेट लगता है। तो दोस्तों हाँ, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लेयर नेट किसे बोलते हैं दोस्तों, आपको
फ्लेयर नट को बारे में पता होना चाहिए। जो ये हमारा कॉपर पाइप होता है ना दोस्तों, उसको होता है नट होता है जो पाइप को कसा जाता है, फिक्स किया जाता है, जो उसके आउटडोर सेक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन में होता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो फ्लेयर नट जो होता है ना, तो दोस्तों उसे चूड़ीदार होता है, उसे कसा जाता है। तो ये फ्लेयर नट की बात क्वेश्चन है, तो आपको पूछ ले तो फ्लेयर नट कहाँ लगता है, तो कॉपर पाइप पे लगता है। तो दोस्तों इसमें भी अधिकतर कितने नंबर का लगता है, तो दोस्तों ये भी 1/4, 1/2 का ही लगता है। जैसे ये पाइप में लगता है ना, जितने साइज का पाइप रहेगा उतने नंबर का ही हमारा फ्लेयर नट लगेगा। तो सेम ये जिसमें पाइप है कितना 1/4, 1/2 है, तो दोस्तों इतने ही नंबर का हमारा फ्लेयर नट भी लगेगा, क्योंकि साइज भी 0-0 साइज का ही लगेगा, नहीं तो अलग लगाएंगे तो लगेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि हमारा फ्लेयर नट जो है ना 1/4, 1/2 ये हमारा फ्लेयर नट होता है दोस्तों। इसका भी होता है फ्लेयर नट, जो ये पाइप का होता है और वही फ्लेयर नट का भी साइज होता है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई है यहाँ तक? तो दोस्तों आते हैं एसी में, अब तो 9वें नंबर क्वेश्चन पे प्रश्न में। तो दोस्तों ये एसी में कितने नंबर की गैस डाली जाती है, हमारी एसी में तो गैस पड़ती है जो कहते हैं गैस डाला जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले एसी में कितना गैस पड़ता है, कितना गैस डाला जाता है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं गैस किसी, तो आपसे कोई पूछे तो बताए, तो गैस लगभग 500 से लेके 1 केजी तक, मतलब 500 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक आप गैस फिल कर सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों एक चीज़ और बता दें, और गैस ज़्यादा पड़ता है बट कंप्रेसर के अनुसार पड़ता है। तो ये चीज़ दोनों याद रखे रहे, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन से एक बार पूछ लीजिए कि कंप्रेसर का मतलब कितना गैस होता है, कौन सा कंप्रेसर है, कैसा है, तो उस पर मार्किंग हुआ होता है। किसी में तो 500 होता है, किसी में 700 होता है, किसी में 800 होता है, तो ऐसे होता है। तो ये मैं मानक बता दूंगा कि जो गैस डाली जाती है 500 से लेके 1000 ग्राम तक गैस पड़ता है, फिल किया जाता है, डाला जाता है। तो और नहीं तो कंप्रेसर अनुसार भी हो सकता है दोस्तों। तो हम यहाँ पे जो गैस डाली जाएगी वो 500 से लेके 1 केजी तक या फिर कंप्रेसर अनुसार। आप बोल सकते हैं कंप्रेसर अनुसार गैस फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ तक 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ तो कब पता चल गया होगा। तो दोस्तों आते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पे हम। एसी में कौन सा एवोपरेटर और कंडेंसर लगा होता है, तो दोस्तों इसमें एवोपरेटर पूछ ले, कंडेंसर पूछ ले, तो किस टाइप का लगा होता है, तो दोस्तों इसमें कंडेंसर एवोपरेटर एक ही टाइप का लगा होता है, जिसका नाम है फिन्स टाइप ट्यूब कंडेंसर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एवोपरेटर और कंडेंसर लगा होता है, आप जानेंगे तो, आप तो एसी का काम जानेंगे अगर करके जाएंगे तो इंटरव्यू तभी तो देंगे, तो आपको कंडेंसर एवोपरेटर तो पता ही होगा। तो आपको ये चीज़ हम बता दे रहे हैं, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, एवोपरेटर दोनों होता है। तो इसमें वही फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर और एवोपरेटर लगता है। तो दोस्तों फिन्स ट्यूब टाइप, ये चीज़ आप याद रखें, कंडेंसर जो एसी में लगता है ना, दोनों फिन्स ट्यूब टाइप का ही लगता है। कंडेंसर हुआ या एवोपरेटर हुआ या कंडेंसर हुआ, फिन्स ट्यूब टाइप ही होता है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगर कोई पूछता है तो एसी में कंप्रेसर कौन सा कंप्रेसर लगा होता है, कौन सा कंप्रेसर होता है। तो दोस्तों एसी में कंप्रेसर, एक रोटरी कंप्रेसर होता है, एक सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर होता है। तो दोस्तों दो कंप्रेसर यूज होते हैं, एक सेमी और एक रोटरी कंप्रेसर। तो दोस्तों ये हम लिखते हैं,
ये हमारा रोटरी कंप्रेसर, सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर। तो आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आते हैं बराबर नंबर क्वेश्चन पे, स्प्लिट एसी के आउटडोर को किस दिशा में लगाएं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछ ले, अगर आप एसी लगाने का आपको काम दे दे, आपको एसी लगाने को दे दे, तो आप इतना तो ध्यान रहे तो आप बता सकें। तो दोस्तों एसी को सबसे बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं, एसी को किस दिशा में लगाएं, तो किस डायरेक्शन में लगाएं। तो दोस्तों किस डायरेक्शन में एसी लगाएं, इंस्टॉल करने हैं तो आप एसी किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आउटडोर जो है ना, आउटडोर को उत्तर साइड में उसका फैन का जो वो होता है ना मुंह, वो दक्षिण साइड में हो, और फिन जो कंडेंसर का साइड है वो उत्तर साइड में होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसमें हीट नहीं लगता है ना, इस वजह से हीट वाला जो होता है ना, क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो इस डायरेक्शन में अगर उत्तर दिशा में लगाया जाएगा उसका जो कंडेंसर है वो हीटिंग से बचाएगा, हीट नहीं होगा उतना, धूप नहीं पड़ेगा कंडेंसर पे, तो कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा, तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ है, तो आपको उत्तर दिशा में एसी लगाएं तो बेस्ट होगा, उत्तर दिशा है बेस्ट है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, उत्तर दिशा। ये उत्तर दिशा। तो दोस्तों आते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न में, स्प्लिट एसी के इंडोर को छत से कितना नीचे लगाएं दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको एसी लगाना है, तो ये मान लीजिए कमरा है, तो इस कमरे में आपको एसी लगाने का बोलते थे, तो आप कितने देर में लगाएंगे वो चीज़ भी याद रखें, तो ये कुछ ध्यान रहे। तो हाँ आपको मैं बता दूँ, 1 फीट से लेके 1.5 फीट के तक नीचे लगाया जाता है जैसे कमरे हो, और नहीं तो फिर कस्टमर के हिसाब से भी लगा सकते हैं, ये भी आप कस्टमर के अनुसार या फिर कमरे के अनुसार लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, कस्टमर के अनुसार या फिर कमरे के अनुसार, या तो जो एक मानक है 1 फीट से लेकर 1.5 फीट के छत, जो छत की ऊंचाई होती है उसके नीचे लगाया जा सकता है, समझ रहे हैं ना आप, ये जो छत है ना इसके नीचे आप इंडोर को लगाया जा सकता है, ये चीज़ आपको याद रखना। तो दोस्तों आपको बता दिए, तो पहला नंबर 1 से 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए छत के नीचे दीवार पे, मतलब और ज़मीन से कम 8 और 9 के बीच में होनी चाहिए दोस्तों, ये चीज़ है रहे तो, या फिर कस्टमर या फिर कमरे के अनुसार लगाएं। तो दोस्तों हम यहाँ पे 1 से 1.5 फीट कर दे रहे हैं, तो ये हमारा ये दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो हमारा जो क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन जो हमने लिखा है, दोस्तों जो हमारा इतना क्वेश्चन है ना, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे और देख लेंगे और समझ जाएंगे ना दोस्तों, गारंटी है कोई भी इंटरव्यू आपको फेल नहीं कर सकता, गारंटी है मेरे कि जो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा ना, तो गारंटी है आप बता ले जाएंगे कॉन्फिडेंट के साथ कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझ जाएंगे सारे क्वेश्चन का, एकदम समझ लिए बेस्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंटरव्यू पूछता है ऐसे ही क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन पूछता है जो रिलेटेड होता है एसी से, तो वो क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस सबको आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो आप इसको एक बार याद कर लेंगे, देख लेंगे तो समझ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आए और आपको देखने को मिले, कुछ सीखने को मिले। तो चैनल पर सीखने का ही मिलेगा दोस्तों, कुछ नए नए ट्रिक्स और नई नई जानकारी के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।